सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी और प्रिया थापा के बारे में। क्या इन दोनों का शादी होने वाला है? तो रिसेंटली सौरभ जोशी ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक फोटो पोस्ट किया था और स्टोरी पोस्ट किया जिसमें ये लिखा था कि विल यू मैरिड मी, जिसमें प्रिया थापा उनके साथ खड़ी हुई है। यही सेम पिक्चर प्रिया थापा ने भी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने कैप्शन में ये भी लिखा था कि फाइनली, जिसके बाद काफी सारे सेलिब्रिटीज, काफी सारे यूट्यूबर्स ने कांग्रेचुलेशन बोला था और सबको ने रिप्लाई भी दिया था थैंक यू। क्या ये दोनों साथ में शादी करने वाले हैं? ये बात सच है बट भाई ये बात बिल्कुल फेक है। रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि गाने का पोस्टर हो सकता है या फिर कोई प्रैंक वीडियो हो सकता है, और भाई बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रिसेंटली में सौरभ जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे वापस से फोटो पोस्ट किया। फोटो में उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया, और सरप्राइज ऐसा किया उन्होंने, ये लिखा फोटो में, नए गाने का पोस्टर आ रहा है। मतलब भाई नया गाना हो चुका है, नया गाना आने वाला है। इससे तो आपको पता लग ही गया होगा भाई ये दोनों शादी नहीं करने वाले, उन्होंने सबका पोपट बना दिया। तो आपके ओपिनियन से क्या ये आगे चल के शादी करेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अब हम बात करने वाले हैं ध्रुव भाटी के बारे में। रिसेंटली ध्रुव भाटी ने 4-5 चैनल और ओपन कर लिए अलग अलग लैंग्वेज में। बट उन्होंने ऐसा क्यों किया भाई? क्योंकि पहले से उनके पास एक चैनल है, तो उन्हें ऐसा क्यों किया? वीडियो बताऊंगा। तो रिसेंटली उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट करी, स्टोरी पर ये बताया कि उन्होंने एक चैलेंज लिया है 100 करोड़ पब्लिक का, जो कि भाई बहुत ज्यादा है और उनकी रीच बहुत कम है। उन्होंने अपनी रीच भी दिखाई इंस्टाग्राम और यूट्यूब की, जैसा कि आप देख सकते हैं उनके इंस्टाग्राम की रीच है 4.1 मिलियन, यूट्यूब की रीच है भाई 5.5 मिलियन, जो कि बहुत कम है। बहुत टाइम लग जाएगा उनके चैलेंज पूरा करने के लिए, अलग अलग लैंग्वेज के बंदों के पास उनकी वीडियोस पहुंच जाए। और अगर ये ट्रिक सक्सेसफुल होती है तो भाई वो 3 चैनल और खोलने वाला है अलग अलग लैंग्वेज में। कौन कौन से है वो बताता हूं भाई, गुजराती, मलयालम और ओडिया। और आपके अकॉर्डिंग इनका चैलेंज कब तक पूरा हो जाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और अब हम बात करने वाले हैं मुनव्वर फारूकी के रिलेशनशिप के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली मुनव्वर फारूकी ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक स्टोरी पोस्ट करी थी, इस पर उन्होंने भाई 2 फूड का फोटो लगाया था। पर काफी सारे लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि आपके साथ कौन है, जिस पर उन्होंने अपने सारे फैंस को रिप्लाई दिया। आप खुद देख लो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया। तो स्टोरी क्या डाली खाने की, इतने सवाल पूरा डीएम सवालों से भर दिया है। तो हाँ, पहले हाँ फिश है, दूसरा चिकन है, तीसरा यस मैंने बनाया है, और हाँ मैं सिंगल। और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही वायरल वीडियो के बारे में। सोशल मीडिया पे एक लेडी का बहुत तेजी से ये वाला वीडियो वायरल जा रहा है, जिसमें भाई एक लेडी बिकनी पहन के एक लेडी बस में चढ़ जाती है, जिसके बाद एक बंदा उनकी वीडियो बना लेता है और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। इसके बाद इस लेडी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस इसके ऊपर एक्शन भी लेगी जल्दी। पर आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो आपको वीडियो दिखा देता हूँ मैं। जी गाड़ी के अंदर आगे था अटले पर आपने देख लिया होगा भाई, मतलब क्या चल रहा है दिल्ली में। तो आज के पसंद नहीं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आप हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस न कर पाओ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।